नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज के इस लेसन में हम लोग सी मेजर कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सी मेजर कॉर्ड के स्केल में जो नोट्स आते हैं वो हैं सी डी ई एफ जी ए और बी। तो इसके हमारे फॉर्मूले के हिसाब से पहले तीसरे और पांचवें नोट्स हैं इस स्केल में सी ई और जी, और ये हमारे सी मेजर स्केल के नोट्स कॉर्ड्स के नोट हैं। तो हम इन तीन नोट्स को कहीं पे भी बजा सकते हैं अपने गिटार पे, तो हमारी सी मेजर कॉर्ड बन जाएगी। तो सबसे आसान तरीका देखना है हमें यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ओपन कॉर्ड्स। ठीक है दोस्तों, सी मेजर कॉर्ड को प्ले करना थोड़ा सा कठिन है शुरुआत में, क्योंकि इसमें आपको उंगलियाँ यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, फिर भी हम लोग देखते हैं कैसे बजाना है इसे। आपको अपनी रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट और पांचवी स्ट्रिंग पे रखनी है। आपको अपनी मिडिल फिंगर फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे रखनी है। थर्ड स्ट्रिंग ओपन रहेगी। फिर आपको अपनी इंडेक्स फिंगर सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे रखनी है और पांचवी पहली स्ट्रिंग भी ओपन रहेगी और छठी स्ट्रिंग म्यूटेड रहेगी। ठीक है दोस्तों, उसे आपको नहीं बजाना, अंगूठे से आप यहां से म्यूट कर सकते हैं ऐसे हल्का सा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, दोबारा से देखते हैं। रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, अपनी इंडेक्स फिंगर सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, तीसरी और पहली स्ट्रिंग ओपन और छठी स्ट्रिंग म्यूटेड। तो आपको बस प्ले करना है 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रैक्टिस करना। आपको ध्यान रहे, आपको देखना है कि आपकी सारी स्ट्रिंग्स बज रही हो और आपका ये हिस्सा इस गिटार के फ्रेटबोर्ड को ना छू रहा हो। ठीक है दोस्तों, इसे आपको बजाना इस तरीके से। इस कॉर्ड को प्रैक्टिस कीजिए और कॉर्ड्स के साथ भी। आगे के लेसनों में हम लोग और मेजर कॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे सी शार्प मेजर कॉर्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं उसे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे रेट करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।